इनपुट देंगे जिससे कि आउटपुट ए बी आ जाए या एक एंड गेट बन जाए टू इनपुट सो लेट्स साइड एक्स वन पर अगर मैं देता हूँ बी एक्स टू पर मैं देता हूँ ज़ीरो एक्स थ्री पर मैं देता हूँ ए तो क्या होगा यहाँ पे अगर मैंने बी दिया तो ये बी हो जाएगा ये बी बार हो जाएगा तो बी और बी बार तो ज़ीरो हो जाएगा बचा ए बी तो आउटपुट ए आएगा यहाँ से यहाँ पे मैंने ए दिया तो ये इनपुट ए हो जाएगा ये ए बार हो जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो इन ए बार जीरो हो जाएगा फाइनली ए बी के साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन होगा या एंड होगा तो ए बी डॉट ए जो कि फाइनली ए बी दे देगा ये एक कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया जिससे हमारा एंजर करेक्ट आया है कि एक्स वन पे बी दे दो एक्स टू पर ज़ीरो दे दो एक्स थ्री पे ए दे दो एक को ट्राई करते हैं कि और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं अगर मैं एक्स वन पे ए दे देता हूँ यहाँ ज़ीरो दे देता दे हूँ यहाँ बी दे देता दे हूँ तो क्या होता है ये हो जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट ए बिकॉज़ यहाँ पे है ए और यहाँ पे भी ए हो जाएगा यहाँ पे ए बार हो जाएगा तो ए बार इंटू बी प्लस ए बार बी जो कि यहाँ पर हमारा आउटपुट है और यहाँ तो ज़ीरो दिया था तो इस वाली चीज़ से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे फिर हमने बी दिया तो ये हो जाएगा बी बी इंटू दिस वॉल्टम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी प्लस ए बार बी बी अगर हमने कॉमन निकाला ए प्लस ए बार होगा और फाइनली ये बी आउटपुट आएगा हमने एक और कॉम्बिनेशन ट्राई किया जिससे कि हमारा जो आउटपुट ए भी आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था तो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है एक्स वन की वैल्यू बी हो एक्स टू जीरो हो एक्स थ्री ए हो तो हमें फाइनली टू इनपुट एंड गेट ये मल्टीप्लेक्सर टू इनपुट एंड गेट की तरह परफॉर्म करेगा सो द करेक्ट आंसर इज़ एक्स वन इज़ बी एक्स टू इज़ ज़ीरो एक्स थ्री इज़ ए